वक्त सूबे से आ रही है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को जारी होगा 12वीं का परिणाम। बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जारी करेंगे परिणाम। 12वीं विज्ञान वाणिज्य एवं कला वर्ग का परिणाम जारी किया जाएगा। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारोली भी मौजूद रहेंगे। 24 जुलाई को शाम 4 बजे ये परिणाम जारी किया जाएगा। तो तमाम छात्रों के लिए ये बड़ी खबर, जो इंतजार कर रहे थे अपने परिणामों का, तो अब इसके लिए 24 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है, शाम 4 बजे इसे जारी किया जाएगा। ललित इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। ललित, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, जिस परिणाम का इंतजार किया जा रहा था आखिर वो घड़ी आ गई है। 24 जुलाई को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा 12वीं का परिणाम जारी करेंगे। 12वीं के तीनों ही वर्ग, कला, विज्ञान और वाणिज्य, तीनों ही वर्गों का परिणाम एक साथ जारी किया जाएगा। शाम को 4 बजे अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में यह परिणाम जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, जो अंकों का निर्धारण है उसके आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ ही तकरीबन अगर बात की जाए 12वीं क्लास में तो 9 लाख से ज्यादा बच्चों की संख्या है। 9 लाख बच्चों को इस परिणाम का इंतजार है और 24 जुलाई को शाम 4 बजे ये इंतजार खत्म हो जाएगा। 10वीं की अगर बात की जाए तो 10वीं के परिणाम को लेकर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि 24 तारीख के बाद वो परिणाम भी कभी भी जारी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन साफ तौर पर ये काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। ये बड़ी खबर चूंकि काफी दिन बाद आई है कोविड के दौरान, वाकई में ये उन परिवारों के लिए ललित खुशी की खबर है जो लोग इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये उनके लिए खुशी की खबर है क्योंकि इस बार कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश में परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया था। उसके बाद प्रदेश सरकार ने सभी बच्चों को प्रमोट करने का फैसला किया था। प्रमोट का जो अंक निर्धारण का क्राइटेरिया है वह शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही जारी कर दिया गया था कि पिछली कक्षा, 10वीं कक्षा और अन्य जो कक्षाएं हैं उनके जो वेटेज था उसके आधार पर इन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से ये रियायत दी गई है कि यदि कोई विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट न हो तो वो बाद में विशेष परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, उसकी अलग से परीक्षा दी जाएगी। ऐसे में विद्यार्थियों को जिस परिणाम का इंतजार था वह 24 जुलाई को आने वाला है और 24 जुलाई का जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसका इंतजार छात्र कर रहे हैं। तारीख आज सामने आ गई है तो निश्चित तौर पर छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, तमाम जानकारी के लिए।